अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद। स्कॉलर फार्मेसी पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सुपर टॉप 70 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आए हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है, पार्ट वन एंड पार्ट टू में। कुछ पार्ट इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, कुछ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फार्मा से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। आइए चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। क्वेश्चन वन, एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ। एनाटॉमी में किसकी स्टडी होती है? ऑप्शंस हैं फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर, फंक्शन, एबनॉर्मलिटीज़। करेक्ट ऑप्शन बी, स्ट्रक्चर। एनाटॉमी में बॉडी के पार्ट की स्ट्रक्चर की स्टडी होती है। क्वेश्चन टू, हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665। 1665 में सेल की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट क्रूक, डेविड थॉम्सन, मेरी फ्रेंस्को। करेक्ट ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन थ्री, नेम एन ऑर्गेनेल विच सर्व एज प्राइमरी पैकेजिंग एरिया फॉर मॉलिक्यूल्स दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल। ऐसे ऑर्गेनेल का नाम बताइए जो कि मॉलिक्यूल्स की प्राइमरी पैकेजिंग में हेल्प करता है, मींस की प्राइमरी पैकेजिंग करता है और वो सेल में डिस्ट्रीब्यूट होती है सेल सेल के बाहर। ऑप्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी अपरेटस, प्लास्टिड, नन। करेक्ट ऑप्शन बी, गॉल्जी अपरेटस। क्वेश्चन फोर, नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, नन ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन ए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन फाइव, बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय। एक बोन दूसरे बोन से किसके द्वारा कनेक्ट होती है? ऑप्शंस हैं लिगामेंट, कार्टिलेज, टेंडन्स, कोलेजन। करेक्ट ऑप्शन ए, लिगामेंट्स। क्वेश्चन सिक्स, द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज। जो जेली लाइक फ्लूइड होता है सेल के अंदर उसे किस नाम से जानते हैं? ऑप्शंस हैं साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन ए, साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन सेवन, द सेकेंड लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में सेकेंड लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? ऑप्शंस हैं टीबिया, फीमर, फेबुला, क्लेविकल। करेक्ट ऑप्शन ए, टीबिया। क्वेश्चन एट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग। ऑप्शन में से कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जिसे डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं? ऑप्शंस हैं न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट ऑप्शन बी, लाइसोसोम्स। क्वेश्चन नाइन, हिप ज्वाइंट इज ए टाइप ऑफ ज्वाइंट। हिप ज्वाइंट किस तरह का ज्वाइंट है? ऑप्शंस हैं बॉल एंड सॉकेट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट। करेक्ट ऑप्शन ए, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। क्वेश्चन टेन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड। लाइफ की फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं सेल, एग, न्यूक्लियस, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन ए, सेल। क्वेश्चन इलेवन, द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ह्यूमन बीइंग इज। ह्यूमन बीइंग में कितने नंबर वर्टिब्री प्रेजेंट होती है? ऑप्शंस हैं 38, 40, 33, 20। करेक्ट ऑप्शन सी, 33। डिफ्यूज होकर 26 हो जाती है एडल्ट्स में। क्वेश्चन 12, ए प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ इज कॉल्ड एज। ऐसा प्लेन जो बॉडी को दो भागों में डिवाइड करता हो इंटीरियर और पोस्टीरियर उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ट्रांसवर्स प्लेन, क्रोनल प्लेन, मीडियन प्लेन, नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन बी, क्रोनल प्लेन। क्वेश्चन 13, द ब्रेस्ट बोन इज कॉल्ड। ब्रेस्ट बोन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं स्कैपुला, क्लेविकल, स्ट्रेनम, रिब्स। करेक्ट ऑप्शन सी, स्ट्रेनम। क्वेश्चन 14, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डैश वर्किंग टुगेदर फॉर्म्स डैश एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ द लेटर वर्क टुगेदर टू फॉर्म डैश। इसको फिल करना है क्रम वाइज, पहले क्या बनता है, देन आफ्टर क्या फॉर्म होता है, देन आफ्टर क्या फॉर्म होता है। ऑप्शंस हैं टिश्यू, ऑर्गन, सेल्स। क्या ये क्रम सही है? ऑप्शन बी, ऑर्गन, सेल्स, टिश्यू, ये क्रम सही है। ऑप्शन सी, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, ये क्रम सही है। ऑप्शन डी, टिश्यूज, सेल्स, ऑर्गन्स। करेक्ट ऑप्शन होगा सी,
सेल सेल से फॉर्म होता है टिश्यू, टिश्यू से फॉर्म होता है ऑर्गन, तो यही फील होगा। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज सेल्स वर्किंग टूगेदर फॉर्म टिश्यूज एंड ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ लेटर वर्किंग टूगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। क्वेश्चन 15, पटेला इज ए, पटेला किस टाइप की बोन है? ऑप्शन हैं लॉन्ग बोन, ग्लैंड, सिस्मॉइड बोन, शॉर्ट बोन। करेक्ट ऑप्शन सी, सिस्मॉइड बोन। क्वेश्चन 16, इफ यू ऑब्जर्व ए लेयर ऑफ कॉलमनार सेल्स ऑफ वेरिंग हाइट्स दे वुड बी कॉल्ड डैश कॉलमनार सेल्स। कॉलमनार सेल अगर दिखने में डिफरेंट उसकी हाइट होती है, अलग अलग हाइट की अगर कॉलमनार सेल दिखे तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं सिंपल स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, क्यूबॉइडल। करेक्ट ऑप्शन सी, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सेल कहते हैं उसे। क्वेश्चन 17, फ्रीली मोबाइल ज्वाइंट इज, फ्रीली मोबाइल ज्वाइंट कौन सा है ऑप्शन में से? ऑप्शन हैं कार्टिलेजियस ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन बी, साइनोवियल ज्वाइंट, इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है तो ये फ्रीली मोबाइल होते हैं। क्वेश्चन 18, व्हाट टाइप ऑफ ग्लैंड सीक्रेट्स इट्स प्रोडक्ट थ्रू ए डक्ट और ट्यूब। ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो कि अपने प्रोडक्ट को डक्ट या ट्यूब के माध्यम से प्रोड्यूस करता है, सीक्रेट करता है? ऑप्शन हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, मल्टी सेलुलर ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन सी, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये डक्ट या ट्यूब के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को रिलीज करता है। क्वेश्चन 19, स्मूथ मसल कैन बी फाउंड, स्मूथ मसल कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन हैं अटैच टू स्केल्टन, इंटरनल ऑर्गन्स, नी ज्वाइंट, रिस्ट बोन। करेक्ट ऑप्शन बी, इंटरनल ऑर्गन्स। क्वेश्चन 20, मास्ट सेल कंटेन्स, मास्ट सेल क्या रखता है? ऑप्शन हैं हिपेरिन एंड हिस्टामिन, हिपेरिन एंड कैल्सिटोनिन, सेरोटोनिन, वैसोप्रेसिन एंड रिलैक्सिन। करेक्ट ऑप्शन ए, हिपेरिन एंड हिस्टामिन। क्वेश्चन 21, ऑल आर साइनोवियल ज्वाइंट एक्सेप्ट, ऑप्शन में से सारे साइनोवियल ज्वाइंट है किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट, पेग एंड सॉकेट ज्वाइंट। करेक्ट ऑप्शन डी, पेग एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये साइनोवियल ज्वाइंट का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन 22, द टाइप्स ऑफ फाइबर्स फाउंड इन कनेक्टेड टिश्यूज आर, कनेक्टेड टिश्यू में किस टाइप के फाइबर्स पाए जाते हैं? ऑप्शन हैं कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 23, द वेरी लास्ट टू सेट्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड, लास्ट के दो पेयर रिब्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं ट्रू रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, फॉल्स रिब्स, नन। करेक्ट ऑप्शन बी, फ्लोटिंग रिब्स, लास्ट वाले जो रिब्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। क्वेश्चन 24, लुब्रिकेंट इन मूवेबल ज्वाइंट इज, मूवेबल ज्वाइंट में जो लुब्रिकेंट प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं म्यूसिन, कार्टिलेज, लिगामेंट, साइनोवियल फ्लूइड। करेक्ट ऑप्शन डी, साइनोवियल फ्लूइड। क्वेश्चन 25, द लार्जेस्ट बोन ऑफ द फेस, फेस की सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है? ऑप्शन हैं मेंडिबल, जाइगोमेटिक बोन, मैग्जिला, प्लेंटीन। करेक्ट ऑप्शन ए, मेंडिबल। क्वेश्चन 26, द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी इज, बॉडी में सबसे लंबी मसल कौन सी होती है? ऑप्शन हैं डेल्टॉइड, सर्टोरियस, रेक्टस एब्डोमिनस, बाइसेप्स। करेक्ट ऑप्शन बी, सर्टोरियस। क्वेश्चन 27, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री इज, सर्वाइकल की जो सेकंड नंबर की वर्टिब्री होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं एटलस C1, लंबर, एक्सिस C2, थोरेसिक। करेक्ट ऑप्शन सी, एक्सिस C2। क्वेश्चन 28, थंब इज एन एग्जांपल ऑफ, थंब किस तरह का जॉइंट्स है? ऑप्शन हैं ग्लाइडिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पेवेट जॉइंट, सेडल जॉइंट। करेक्ट ऑप्शन डी, सेडल जॉइंट। क्वेश्चन 29, द बोन कैरीज ऑल द बॉडी वेट इज, बॉडी का पूरा भार कौन सी बोन कैरी करती है? ऑप्शन हैं फेबुला, फीमर, टीबिया, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 30, ऑल आर बोन्स ऑफ अपर लिम्ब एक्सेप्ट, अपर लिम्ब की सारी बोन ऑप्शन में से हैं किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन हैं ह्यूमरस,
अल्नर रेडियस टीबिया, करेक्ट ऑप्शन डी टीबिया। क्वेश्चन 31, मूवमेंट ऑफ बॉडी अवे फ्रॉम मिड लाइन इज, मिड लाइन से बॉडी का अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन हैं एबडक्शन, फ्लेक्शन, एडक्शन, इटेंशन। करेक्ट ऑप्शन एबडक्शन। क्वेश्चन 32, ऑल आर ज्वाइंट्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी एक्सेप्ट, लोअर पोर्शन के जो ज्वाइंट्स हैं ऑप्शन में से सारे हैं किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन हैं हिप ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट। करेक्ट ऑप्शन डी शोल्डर ज्वाइंट, ये अपर एक्सट्रीमिटी का है। क्वेश्चन 33, ऑल आर हिंग ज्वाइंट एक्सेप्ट, ऑप्शन में से सारे क्या हैं हिंग ज्वाइंट्स हैं किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन हैं एल्बो, एंकल, नी, रिस्ट। करेक्ट ऑप्शन डी रिस्ट। क्वेश्चन 34, विच बोन फॉर्म्स बैक ऑफ द हेड इज, हेड के पिछले भाग क्या पोर्शन जो फॉर्म होता है वो किस बोन से बनता है। ऑप्शन हैं पैरिटल बोन, फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन। तो बैक साइड की जो बोन होती है वो ऑक्सीपिटल बोन होती है। करेक्ट ऑप्शन डी। क्वेश्चन 35, द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल इज, स्कल में सिर्फ एक ही बोन जो कि मूवेबल होती है वो कौन सी है। ऑप्शन हैं मैग्जिला, मेंडिबल, एथमॉयड, स्थेनॉयड। करेक्ट ऑप्शन बी मेंडिबल। क्वेश्चन 36, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल इज ऑब्लिगार, बोन को जो डिस्ट्रॉय करती है उस सेल का नाम क्या है। ऑप्शन हैं ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन ए ऑस्टियोक्लास्ट, ये बोन की सेल होती है बोन को तोड़ती है। क्वेश्चन 37, सूचर्स बिटवीन द बोन ऑफ स्कल आर एग्जांपल ऑफ, दो बोन के बीच में जो सूचर होते हैं वो किसका एग्जांपल हैं। ऑप्शन हैं साइनोवियल ज्वाइंट, कार्टिलेजियस ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट, नन। करेक्ट ऑप्शन सी फाइब्रस ज्वाइंट, ये हेड की बोन में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन 38, टोटल नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री, सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती है। ऑप्शन हैं 12, 10, 20, 7। करेक्ट ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन 39, आउटर कवरिंग ऑफ द बोन इज कॉल्ड एज, बोन की जो आउटर कवरिंग होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन हैं पेरिओस्टियम, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, नन। करेक्ट ऑप्शन ए पेरिओस्टियम। क्वेश्चन 40, द स्टडी ऑफ द मस्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड एज, मस्कुलर सिस्टम की स्टडी को क्या कहते हैं। ऑप्शन हैं माइकोलॉजी, माइटोमोलॉजी, मायोलॉजी, नन। करेक्ट ऑप्शन ए माइकोलॉजी। क्वेश्चन 41, द लार्जेस्ट ज्वाइंट इन द बॉडी इज, बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ज्वाइंट कौन सा होता है। ऑप्शन हैं नी, एंकल, हिप, एल्बो। करेक्ट ऑप्शन सी हिप। क्वेश्चन 42, एल्बो ज्वाइंट इज ए, एल्बो ज्वाइंट किसका एग्जांपल है। ऑप्शन हैं फाइब्रस ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट, कार्टिलेज ज्वाइंट, नन। करेक्ट ऑप्शन बी साइनोवियल ज्वाइंट। क्वेश्चन 43, डीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज कॉजेज, कार्टिलेज के डीजनरेशन की वजह से क्या काज होता है। ऑप्शन हैं गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस। करेक्ट ऑप्शन बी ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्वेश्चन 44, मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाय, मसल बोन से कनेक्ट होती है किसके द्वारा। ऑप्शन हैं लीगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, कोलेजन। करेक्ट ऑप्शन बी टेंडन्स। क्वेश्चन 45, एन एग्जांपल ऑफ स्मूथ मसल इज, स्मूथ मसल के एग्जांपल क्या हैं। ऑप्शन हैं ब्लेडर, फोरआर्म, हर्ट, बेली। करेक्ट ऑप्शन ए ब्लेडर। क्वेश्चन 46, टंग इज अटैच टू द, टंग किससे जुड़ी होती है। ऑप्शन हैं वोमर, हायड बोन, एथमॉयड बोन, जाइगोमेटिक बोन। करेक्ट ऑप्शन बी हायड बोन, यही एक ऐसी बोन होती है जो किसी दूसरी बोन से कनेक्टेड नहीं होती है। क्वेश्चन 47, इनवॉलंटरी मसल इज, इनवॉलंटरी मसल कौन सी है। ऑप्शन हैं कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, बोथ ए एंड सी, नन। करेक्ट ऑप्शन ए कार्डियक मसल। क्वेश्चन 48, द थिक फिलामेंट ऑफ मायोफाइब्रिल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड,
माया फैब्रिक का जो थिक फिलामेंट होता है वो किस प्रोटीन का बना होता है? ऑप्शन है मायोसिन, कैसिन, एक्टिन, नन। करेक्ट ऑप्शन ए मायोसिन। क्वेश्चन 49, मसल फाइबर्स आर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन नोन एज। मसल फाइबर किस मेम्ब्रेन से सराउंड होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं प्लाज्मा लेम्मा, पेरिटोनियम, प्लियोरा, सार्कोलेम्मा। करेक्ट ऑप्शन डी सार्कोलेम्मा। क्वेश्चन 50, स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ मसल। मसल की स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन सी होती है? ऑप्शन हैं एक्टिन, मायोसिन, बोथ ए एंड सी, ट्रोपोनिन। करेक्ट ऑप्शन बी बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन 51, विच टाइप ऑफ मसल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। ऑप्शन में से जो मसल है वो कौन सी है जिसमें मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन हैं कार्डियक, स्केल्टल, स्मूथ, नन। करेक्ट ऑप्शन बी स्केल्टल मसल। क्वेश्चन 52, इन स्केल्टल मसल कैल्शियम फैसिलिटेट कॉन्ट्रैक्शन बाय बाइंडिंग टू द। स्केल्टल मसल में कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है तो वो किस पे बाइंड होकर ये प्रोसेस करता है? ऑप्शन हैं एक्टिन, ट्रोपोनिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। करेक्ट ऑप्शन बी ट्रोपोनिन। क्वेश्चन 53, द सेल्स ऑफ द टेस्टिस विच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन इज ऑब्लिगार। टेस्टिस की कौन सी ऐसी सेल है जो कि टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है? ऑप्शन हैं सर्टोली सेल, कुफर सेल्स, लाइडिक सेल्स, पैराइटल सेल्स। करेक्ट ऑप्शन सी लाइडिक सेल। क्वेश्चन 54, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं मेनार्के, प्यूबर्टी, मेनोपॉज, मैच्योरेशन। करेक्ट ऑप्शन ए मेनार्के। क्वेश्चन 55, द एंड ऑफ ईच फैलोपियन ट्यूब हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड। फैलोपियन ट्यूब के लास्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं फिम्ब्राई, सीलिया, विलाई, नन। करेक्ट ऑप्शन ए फिम्ब्राई। क्वेश्चन 56, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प स्पर्म टू इंटर इनटू ओवम। ऑप्शन में से ऐसा क्या है जो कि स्पर्म को हेल्प करता है ओवम में इंटर करने के लिए, ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए? ऑप्शन हैं टेल, माइटोकॉन्ड्रियल शीट, एक्रोसोम, वैक्यूल। करेक्ट ऑप्शन सी एक्रोसोम। क्वेश्चन 57, द ओवेरियन साइकिल लास्ट यूजली। ओवेरियन साइकिल कितने दिनों में लास्ट होती है? ऑप्शन हैं 14 डेज, 24 डेज, 18 डेज, 28 डेज। करेक्ट ऑप्शन डी 28 डेज, 28 से 32 दिन इसका होता है साइकिल। क्वेश्चन 58, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज। मेंस्ट्रुएशन के एब्सेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं डिसमेनोरिया, मेनोरेगिया, एमनोरिया, नन। करेक्ट ऑप्शन सी एमनोरिया। क्वेश्चन 59, फॉर्मेशन एंड मेच्योरेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड। ओवम के फॉर्मेशन और मेच्योरेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवुलेशन, ओजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन। करेक्ट ऑप्शन सी ओजेनेसिस। क्वेश्चन 60, द प्लेस वेयर द माइलिन शीट इज एब्सेंट इन ए नर्व फाइबर इज नोन एज। नर्व फाइबर में ऐसी जगह जहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती है उस प्लेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं जाइगोस, रेनवर, एक्सिस, एवर्जन। करेक्ट ऑप्शन बी रेनवर। क्वेश्चन 61, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म ऑकर्स। ऑप्शन में से ऐसा क्या है जहाँ पे स्पर्म मैच्योर होता है? ऑप्शन हैं सेमिनल वेसिकल, एपिडिडाइमाइस, सर्टोली सेल्स, लाइडिक सेल। करेक्ट ऑप्शन बी एपिडिडाइमिस। क्वेश्चन 62, द ओनली हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी व्हेन ए वुमन इज प्रेग्नेंट। लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो ऐसा कौन सा हार्मोन है तभी वो प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG, FSH। करेक्ट ऑप्शन सी SCG। क्वेश्चन 63, सोर्स ऑफ एनर्जी इन नर्व फाइबर इज। नर्व फाइबर की सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? ऑप्शन हैं ग्लूकोज, इपिनेफ्रिन, सोडियम,
सेरोटोनिन, करेक्ट ऑप्शन ए ग्लूकोज। क्वेश्चन 64, माइक्रोफेजेस ऑफ सीएनएस टिश्यू इज ऑब्लिगार। सीएनएस टिश्यू में माइक्रोफेजेस कौन से होते हैं? ऑप्शंस हैं न्यूरॉन्स, माइक्रोग्लिया, न्यूरोलेम्मा, माइक्रोसोमा। करेक्ट ऑप्शन बी माइक्रोग्लिया। क्वेश्चन 65, ए न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ, न्यूरॉन किसका बना होता है? ऑप्शंस हैं एक्सॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 66, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द सिंपैथेटिक नर्व फाइबर इज। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर में जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं एसिटाइल कोलिन, हिस्टामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन। करेक्ट ऑप्शन सी नॉरएपिनेफ्रिन। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर से नॉरएपिनेफ्रिन, वहीं पे पैरा सिंपैथेटिक या पैरा सिंपैथेटिक नर्व फाइबर से एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। क्वेश्चन 67, ए केमिकल सब्सटेंस दैट इज यूज्ड बाय वन न्यूरॉन टू सिग्नल अनदर इज। न्यूरॉन जो सिग्नल प्रोड्यूस करता है एक से दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, वो कोई केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है, उसका इस्तेमाल करता है, उस केमिकल सब्सटेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ट्रांसमीटर, न्यूरॉन, न्यूरोट्रांसमीटर, नर्व फाइबर। करेक्ट ऑप्शन सी न्यूरोट्रांसमीटर। जो न्यूरॉन से रिलीज होते हैं उसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, इसी के थ्रू वो एक सेल से दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है। क्वेश्चन 68, द एग्जॉन्स ऑफ मोस्ट न्यूरॉन्स आर कवर्ड विथ। न्यूरॉन का एग्जॉन पोर्शंस ज़्यादातर किससे कवर होता है? ऑप्शंस हैं डेंड्राइट, एग्जॉन, माइलिन शीट, नन। करेक्ट ऑप्शन सी माइलिन शीट। क्वेश्चन 69, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या होता है? ऑप्शंस हैं न्यूरॉन, एक्सॉन, नेफ्रॉन, डेंड्राइट। करेक्ट ऑप्शन ए न्यूरॉन। क्वेश्चन 70, जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड एन इफेक्टर इज कॉल्ड। न्यूरॉन और इफेक्टर के बीच में जो जंक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं साइनेप्स, न्यूरोट्रांसमीटर, डेंड्राइट, नन। करेक्ट ऑप्शन ए साइनेप्स।